नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। स्वास्थ्य केंद्र में हुआ धरना प्रदर्शन, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने को लेकर मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों की हुई सराहना। ट्रैफिक पुलिस जवान ने दिया ईमानदारी का परिचय। सचिव विनोद कुमार सुमन ने सर्किट हाउस में की अधिकारियों संग विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। ट्रैफिक पुलिस ने चलाया परिवहन विभाग के साथ संयुक्त चेकिंग अभियान। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर के बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक दंपति पर स्वास्थ्य केंद्र में मनमानी और मरीजों से अभद्रता करने का आरोप लगाया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव के नेतृत्व में एकत्र हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चिकित्सक दंपति द्वारा स्वास्थ्य केंद्र को रेफर केंद्र बनाए जाने और मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। अत्यंत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में समस्त उत्तराखंड के अंदर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको एक रेफर सेंटर बना दिया गया है। उसी क्रम में आज हम बाजपुर में बैठे हैं। बाजपुर के अंदर जो यहाँ डॉक्टरों की पूर्ति की गई, कुछ डॉक्टर यहाँ भेजे गए, लेकिन लगातार हमारे पास शिकायत आ रही है, हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं कि जब भी कोई यहाँ दुर्घटना घटती है तो अगर कोई यहाँ पे अपनी दवाई लेने आता है या कोई इलाज कराने आता है तो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, वो लगातार उनको एक रेफर सेंटर की पर्ची बनाकर देते हैं कि यहाँ इलाज की सुविधा कोई नहीं है। जबकि मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे कुछ बेड भी बनाए गए हैं और जो बाजपुर क्षेत्र में स्थित हमारी एक कारखाना है पॉलीप्लेक्स, उसके द्वारा लगातार इस अस्पताल की मदद की गई है, उसे कई उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन इतना उपकरण उपलब्ध होने के बावजूद भी जो यहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं, शायद डॉक्टर माथुर हैं, उन्होंने लगातार अभी तक किसी जनमानस को इलाज देने का कार्य नहीं किया है। और हमारे एक संज्ञान मामला और आया है, जो यहाँ महिला डॉक्टर हैं, डॉक्टर माथुर, उनके साथ जो हमारी बहनें लगातार अपना इलाज कराने आती हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनको बिना जांच किए कह दिया जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट नहीं है। तो एक हमारे साथ एक महिला हमारे पार्लर में पहुंची, उसने कहा कि हमारी डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा पेट में खत्म हो चुका है, आप जानिए उसकी जान कैसे बच गई। वो महिला मरने से बची, उसका इलाज कराया गया। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं समस्त उत्तराखंड के अंदर जो स्वास्थ्य अस्पताल हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको दुरुस्त किया जाए, अन्यथा ये जो स्वास्थ्य केंद्र है उनको बंद कर दिया जाए, और जो इस तरह के लापरवाह स्टाफ बाजपुर में बैठे हैं उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। और सुनने में आया है कि यहाँ की जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वो उनकी धर्मपत्नी है। वो ये बात वो हो गई सैया हुए कोतवाल डर का है का, तो ये लोग दोनों लोग मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं तो उनको यहाँ से हटाया जाए और बाजपुर क्षेत्र के अस्पताल को जो यहाँ से वहां यहाँ दुरुस्त की जाए। और चीज और कहना चाहता हूँ, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार आयुष्मान कार्ड के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाकर एक कमीशन लूटने का कार्य कर रही है। अगर इनके पास ये व्यवस्था नहीं है तो सरकारी अस्पताल में व्यवस्था करनी चाहिए। इसी मांग को लेकर हम धरने बैठे हैं। अगर ये हमारी मांग समाजवादी पार्टी की पूरी नहीं तो आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर प्रत्येक अस्पताल में धरना देने का कार्य करेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय का और आवास घेराव करने का कार्य करेंगे। दिसंबर में उत्तराखंड की भाजपा सरकार द्वारा उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 करने को लेकर बीजेपी के नैनीताल जिले के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं और उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार नए नए आयाम जोड़ रहे हैं, और उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इसी का एक उदाहरण है जिसको सफल बनाने के लिए प्रदेश के मुखिया लगातार देश विदेश के दौरे कर समिट में 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निवेशकों को समिट में उत्तराखंड आने का आमंत्रण दे रहे हैं ताकि समय शुरू होने से पहले ही करोड़ों के निवेश को उत्तराखंड लाने का कार्य हो सके, जो कि बेहद ही सराहनीय कदम है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर हमारे उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्यों कर रही है, और इसी क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस ओर दृष्टि बनाए रखी है, और उनका कहना था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। निश्चित तौर पर इसी ओर को आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रयासरत हैं, और इसी तरह नए निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार उनके प्रयास चल रहे थे, और इसी क्रम में लगभग 50 से 40 हजार करोड़ के आसपास का निवेश वे आकर्षित कर चुके हैं, उस पर एमओयू साइन हो चुके हैं। इससे पूर्व वो इंग्लैंड गए और 12,500 करोड़ के आसपास का निवेश इंग्लैंड से आया, उसके बाद दिल्ली में उन्होंने एक अच्छा
इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। इसके साथ साथ ही हाल में ही आप यूएई दुबई से अच्छी संख्या में जो कि 10-15 हज़ार करोड़ के आसपास था, तो लगभग कुल मिलाकर के 50,000 करोड़ के आसपास का निवेश एमओयू माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम के रूप में साबित हुआ है। और निश्चित तौर पर इससे उत्तराखंड की आर्थिकी आगे बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार की ओर बड़ी एक बड़ी पहल हो। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस, लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अल्मोड़ा ट्रैफिक पुलिस जवान ने ईमानदारी का परिचय देते हुए ड्यूटी के दौरान सड़क पर मिले कीमती मोबाइल को उसके स्वामी के सुपुर्द किया, जिस पर लगातार उनकी सराहना की जा रही है। आपको बता दें जनपद पुलिस द्वारा ड्यूटी के साथ साथ आम जनमानस की सहायता हेतु अन्य मानवीय कार्यों में भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया जा रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी पहुंचे सचिव विनोद कुमार सुमन ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी विकास कार्यों की प्रेजेंटेशन के माध्यम से समीक्षा की गई। साथ ही अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों पर तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए गए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये समीक्षा जो हम लोग कर रहे हैं, हर एक सचिव जिलों में जाके हर एक महीने अलग अलग जिलों में समीक्षा कर रहे हैं और जिले में जो काम चल रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि क्या गतिरोध है, क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या शासन स्तर से कोई इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता है, अगर है तो शासन स्तर पर हम लोग मामले को उठाएंगे और वहाँ से समाधान कराएंगे। प्रयास ये किया जाएगा कि जिले में जो काम चल रहे हैं विधिवत चलें, अच्छे तरीके से चलें, गतिशीलता के साथ चलें, क्वालिटी मेंटेन करके चलें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस, लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अल्मोड़ा ट्रैफिक पुलिस द्वारा परिवहन विभाग के साथ संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। आगामी त्योहार के सीजन के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा को संभालने एवं यातायात नियमों के पालन हेतु वाहन चालकों को जागरूक किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वाले 24 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई भी हुई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज चैनल से। तब तक मैं ऋषि भारद्वाज आप सभी से अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।